मैं आप सबकी सलामती हूँ। मैं खुदावंद के पास सलामी से पढ़ूंगी। ये आयत भी है और तीसरा कलमा भी है जो खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूब होते वक्त सलीब पर कहा था। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब उसकी 16 आयत। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के पाक नाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की हाथ बरकत हो। सबसे पहले इसमें चंद सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी। यीशु की सलीबी मौत के वक्त वहाँ कौन कौन मौजूद था? यीशु, यूसुफ और यीशु के भाई उस वक्त कहाँ थे जब यीशु मसीह को मसलूब किया जा रहा था? यूहन्ना को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? क्या आप में से कोई बता सकता है इन तीनों में से कोई एक सवाल? मैं बताती हूँ। यीशु की सलीबी मौत के वक्त वहाँ कौन कौन मौजूद था? ये मेरा पहला सवाल। मरियम की माँ, मरियम यीशु की माँ जो वहाँ पर मौजूद थी। यूहन्ना जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने वो जिम्मेदारी दी थी जो वो आगे पूरा ना कर सकते थे क्योंकि उन्हें अपने खुदावंद के पास वापस जाना था। जो उसके बाद सलोमी मरियम की बहन जो वहाँ पर मौजूद थी, मरियम मगदलीनी। अब दूसरा सवाल, यूसुफ और यीशु के भाई उस वक्त कहाँ पर थे? क्योंकि बकलाम में लिखा हुआ है यूहन्ना 7 बाब उसकी 5वीं आयत में क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए थे। तीसरा सवाल, यूहन्ना को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई? यूहन्ना 5 बाब 19 आयत में लिखा हुआ है बस यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसी के साथ एक और आयत है यूहन्ना 13 बाब उसकी 1 आयत। यीशु अपने लोगों से जो दुनिया में थे मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता है। अब खुदावंद ने जो यूहन्ना को जिम्मेदारी सौंपी थी, जब सलीब पर अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने शागिर्द को दी, यीशु ने सलीब पर शरीयत को पूरा किया। यीशु ने कहा था मैं शरीयत मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उस वक्त उनके पास सिर्फ एक ही शागिर्द मौजूद था, यूहन्ना, जिसको वो इस जिम्मेदारी से सौंप इस जिम्मेदारी को अच्छे से सौंप सकता था क्योंकि उसे इस बात का यकीन था कि यूहन्ना इस जिम्मेदारी को पूरे से निभा सकता है। अब जो खुदा की तरफ से हमें 10 अहकाम मिले हैं, इस कलमे का उससे भी थोड़ा सा तारुफ है। जैसा हमें छठा कलमा हुक्म है, खुदावंद ने जो हुक्म दिए थे, छठा हुक्म 5वां, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तुझे देता है दराज हो। इसीलिए यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उन्होंने ये जिम्मेदारी जो उनकी माँ की जिम्मेदारी थी यूहन्ना को दी। यीशु ने अपने सलीब पर जो शरीयत को पूरा किया था उसके साथ ही शरीयत मुकम्मल हो गई। इसके साथ ही कफारा देने के बाद फजल का दौर शुरू हो गया। यीशु ने तमाम लोगों को यह हुक्म पूरा करके दिखाया ताकि माँ बाप की इज्जत करना उन पर लाजम हो, उनकी जिम्मेदारी बन सके। और इसके साथ बरकत का भी वादा है और यीशु भी उस हुक्म को पूरा करके अपने बाप के जलाल में दाखिल हो गया। अब मैं आखिर में गर खुदा ने मसीह को उतारा ना होता
अगर खुदा ने मसीह को उतारा ना होता तो आदम का कभी भी कफारा ना होता, ना होता मुकम्मल कफारा कभी आदम का, ना होता मुकम्मल कफारा कभी आदम का अगर मसीह ने खुदा को पुकारा ना होता। शुक्रिया।